इंदौर के कलेक्टर पी नरहरी ने बाल आश्रम की कन्याओं से राखी बंधवाकर राखी का पर्व मनाया। कलेक्टर को अपने बीच पाकर और राखी बांधकर बालिकाएं बेहद खुश दिखी। भाई बहन के प्रेम के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर कोठारी मार्केट स्थित श्रद्धानंद बाल आश्रम में राखी का नजारा बेहद खास हो भी क्यों ना। कलेक्टर पी नरहरी यहां पहुंचे थे राखी बंधवाने और जब आश्रम की बालिकाओं ने अपने बीच कलेक्टर को पाया तो वे भी बेहद खुश हो गईं। बालिकाओं ने कलेक्टर को राखी बांधकर तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। बहनों ने भाई की कलाई से कलेक्टर ने रक्षाबंधन की बधाइयां देकर बच्चों के बीच खुशियां बांटी। आज समूचे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का, भाई बहन के पवित्र रिश्ता का यह रक्षाबंधन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इंदौर शहर और जिले में भी रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे सभी जिलेवासियों को, शहरवासियों को, विशेष रूप से हमारे सभी माँ बहनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता और साथ ही संबंधों पर आधारित ये पवित्र एक त्यौहार है और इस त्यौहार पर हम लोग अपने प्रतिबद्धता, अपने बहनों के प्रति, अपने समाज के जितने भी महिला वर्ग हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और ये प्रतीकात्मक रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनका रक्षा करेंगे और उनके साथ निभाएंगे। आज श्रद्धानंद आश्रम में हम इस कार्यक्रम में पहुंचे और बहनों के साथ इस पवित्र त्यौहार का यहाँ पे उनके साथ राखी बंधवाया। निश्चित ही ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हृदय से करीब का यह पवित्र बंधन का ये रक्षाबंधन है और इन बहनों के साथ में ये इस पवित्र बंधन का सूत्र बंधवा के बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। हम उनसे बातचीत भी किए हैं, बड़े खुश हैं बच्चे। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस आश्रम में जितने भी बच्चियां हैं उन सबका देखरेख करेंगे और प्रयास करेंगे, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। आश्रम की बालिकाओं ने कहा कि आज का दिन उनके लिए खास बन गया और जिले के मुखिया जिस तरह से उनसे राखी बंधवाने पहुंचे ये उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उनको राखी बांधी। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे बड़े भैया आए हमसे राखी बंधवाने और बहुत सारी बातें करी उनसे। आए हैं और आज जब ये आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि हमारे भैया हैं और उन्हें हमने आशीर्वाद भी दिया, बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी दिए, बहुत अच्छा लगा हमें। कलेक्टर ने छावनी स्थित बाल संरक्षण आश्रम और परदेसीपुरा स्थित बाल आश्रम में भी राखी बंधवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।